खासे नायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं याचवी पार्षद कक्षा पांचवी ब की छात्रा आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है दुखों से मुक्ति। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में अपना उपदेश दे रहे थे। वहां पे एक धनी व्यक्ति भी उनका उपदेश सुन रहा था। उस धनी के दिमाग में एक प्रश्न उठा जो उसे भगवान बुद्ध से पूछना था, लेकिन वह प्रश्न पूछने में संकोच कर रहा था क्योंकि उसके गांव वालों में बहुत प्रतिष्ठा थी। अगर वह वो प्रश्न पूछता तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ और सारे लोग चले गए, वह हाथ जोड़ के भगवान बुद्ध से कहता है, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं रहता हूँ। खुश रहने का राज क्या है, मेरे को बताइए। बुद्ध जी ये सब सुन के उसे अपने साथ गांव जंगल में ले गए। वहाँ उन्होंने एक पत्थर को देख के कहा, वत्स इस पत्थर को उठा के मेरे साथ चलो। धनी व्यक्ति बहुत समय बीत गया। जब धनी व्यक्ति के हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। और समय बीता और उससे सहा नहीं गया। उसने भगवान बुद्ध से कहा, प्रभु मैं पत्थर नीचे रख दूं? भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स पत्थर नीचे रख दो। उसने जैसे ही पत्थर नीचे रखा, उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, यही है खुशी का राज। धनी व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया। भगवान बुद्ध ने समझाया, जिस तरह जितने समय तक हम अपने हाथों में दुख का पत्थर लेंगे, उतना ही दर्द हमें होगा। इसलिए व्यक्ति को जल्द से जल्द दुख का पत्थर नीचे रखना सीखना होगा, नहीं तो वह पूरी जिंदगी निराश और दुखी से बिताएगा। चित्तं प्रसन्नं भुवनं प्रसन्नं चित्तं विषण्णं भुवनं विषण्णं। अर्थात हम खुश हों तो सारा जहां खुश लगता है, हम निराश हों तो सारा जहां निराश लगता है। मतलब अगर हम हमेशा खुश रहें तो हमें सब कुछ अच्छा और खुशहाल लगता है, लेकिन अगर हम बहुत निराश रहें और दुखी रहें तो हमें सब निराश लगता है और दुखी, हमारी पूरी जिंदगी दुखी से बीतती है और निराशा से बीतती है।